जैसा कि हमने अभी आज आप लोगों का एग्जाम हुआ होगा और एग्जाम का पेपर भी काफी अच्छा था और काफी सिंपल था, तो एक एक करके हम है ना पेपर के जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको हम है ना डिस्कस कर लेते, जो आपके थोड़े बहुत कंसेप्चुअल है और जो थ्योरिटिकल है वो तो आपको मगज पढ़ने पड़ेंगे। तो एक एक करके देखो, क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चों बेंजल्डिहाइड ना आके आपका बेंजोइक एसिड आएगा। बेंजल्डिहाइड ना आके आपको क्या जाएगा बच्चों? बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, देखो यहां पर ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बेंजल्डिहाइड का, ध्यान से समझना, यहां पर बेंजल क्लोराइड का ध्यान से समझते हैं, CH2Cl का जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा बच्चों, यहां पर सी सी आएगा, देखते हैं बेंजल क्लोराइड, ये मैंने आपका क्या बना दिया, बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराना है। अब देखो बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस मतलब यहां पर दो क्लोरीन होगा, बेंज देखो एक होगा, तो ध्यान से समझना बच्चों, इसका ऐसा होगा तो बेंजल, ठीक है, ऐसा होगा तो बेंजो, यहां पर ये आपका बेंजो हो जाएगा क्योंकि तीन वैलेंसी आपकी, ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो बेंजाइल, इस नाम को ध्यान रखो, ऐसा होगा तो ये आपका बेंजाइल होता है बच्चों, ये होता है बेंजाइल, ये होता है बेंजो और ये होता है आपका बेंजल। बेंजल क्लोराइड का जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस OH माइनस, तो यहाँ OH चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर CHOHOH, और यहां पर ये नीचे जाएगा, यहां से ये आपका खुलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड, तो क्या प्रोडक्ट बना बच्चों, यहां पर सी आंसर बेंजल्डिहाइड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर इसका कॉमन नेम अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ये आपको ध्यान रखने वाला था, इसका बी आंसर होगा सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। 48 पे भी मैंने आपको करा रखा है बच्चों, ये आपका 48 का क्या आंसर आएगा, सी एसीटोन, किस तरीके से आएगा आप लोग जानते हो बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट मतलब CH3CO, यहाँ पर O, यहाँ पर Ca+2, यहाँ पर O, यहाँ पर CO CH3, इसका जब भी कराएंगे तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CO CH3, ये आपका एसीटोन बन जाएगा, तो इसमें कोई उतना दिक्कत नहीं था। हाँ, 49 क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो BaSO4 का काम क्या है, BaSO4 का काम है बच्चों पॉइजनस की तरह काम करता है, जब ये पॉइजनस की तरह काम करेगा तो पीडी के रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, तो यहां पर रिएक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपका ऑप्शन हुआ तो वो ऑप्शन आपका मोर करेक्ट होगा एज कंपेयर टू पॉइजनस। पॉइजनस की तरह तो बिहेव करता ही है लेकिन ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ बच्चों 50 क्वेश्चन आपकी कॉपी का है बच्चों, 50 का आएगा बच्चों आपका सी, ठीक है, काफी इजी फैक्टेबल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब 51 थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको देख लेते हैं, HCHO की रिएक्शन कराएंगे तो COO- और किस में कन्वर्ट होता है, CH2OH में। देखो यहां पर इसका जीरो मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, देखो एक्स कार्बन का हाइड्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स कार्बन का ऑक्सीजन का यहां पर कितना -2, -2 +1 और यहां पर -1, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा देखो बच्चों, एक्स यहां पर इसका चेक करते हैं, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, इसको ऐसे ना निकाल के इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहां पर क्या होगा +1, इसकी वजह से यहां पर +1, इसकी वजह से यहां पर +1, इसकी वजह से यहां पर -1, टोटल कितना हो गया नेट, यहां पर हो गया +2, देखो ना, और या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो यहां +1 आएगा, यहां भी +1 आएगा, यहां भी +1 आएगा, इस तरीके से। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो इसकी वजह से -1, हाइड्रोजन की वजह से -1, इसकी वजह से यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, CH3, तो इसकी वजह से भी यहां पर -1 और यहां पर क्या हो जाएगा +1, ये गया तो यहां पर कितना आ जाएगा -2, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज हो रहा है, +2 से और एक -2 की ओर।
थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बहुत ज्यादा करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। अब 52 क्वेश्चन तो काफी इजी था बच्चों, 52 क्वेश्चन आपका काफी इजी था, तो 52 क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। तो 52 क्वेश्चन में क्या करना है, C3H8 सबसे पहले आप लोग BOU निकालना सीख लो बच्चों, इसका कितना आएगा 0, तो मतलब चेन है सिंपल, इतना पता पड़ गया। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर C3H7H6O, तो यहां पर DOU कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हुआ है। अब देखो DOU 0 है, अब पहली बात तो ईथर का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो यहां पर कौन होगा, एल्कोहल होगा। अब एल्कोहल होगा तो ये आपका 1 DOU में कन्वर्ट हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, I2 की और NaOH का मतलब है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंट है, ये वाला फ्रेगमेंट आपका यहां पर, ये वाला फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंस होगा, तो बचा क्या CH3 यहां लगा दो, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, ये आपका ये वाला कंपाउंड होगा। आई होप कि आपका आ गया होगा आंसर, काफी इजी था पेपर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बच्चों ये तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, 53 क्वेश्चन आपका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा आप मैकेनिज्म को देखोगे और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा बच्चों आपका डी, इसका कौन सा आंसर होगा बच्चों आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों इसका। नाउ अब हम चलते बच्चों एक और क्वेश्चन पे, यहां पर इसका होगा डी, ठीक है। नाउ अब हम चलते बच्चों 54, तो 54 पे क्या होगा बच्चों, केनिजारो का कौन सा स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप मतलब केनिजारो रिएक्शन का कौन सा स्टेप स्लो होगा, मतलब जो आपका आरडीएस होगा। अब आरडीएस कौन सा होता है बच्चों, मैकेनिज्म को ध्यान से देखो कॉपी में, आपको पता पड़ जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट वाला आपका क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड शिफ्ट वाला आपका आरडीएस होता है, सिंपल बात है, जिसमें आपका हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, आपका आरडीएस होगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला स्टेप आपका आरडीएस होता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट वाला यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ये तो आपका थियोरिटिकल है, अगर आपने मैकेनिज्म को ध्यान से समझा हुआ है तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। नाउ 56 सिमिलर क्वेश्चन आपका, कितनी बार आपका यहां पर होगा, तो देख लो बच्चों यहां पर एक यहां पर CH3, ठीक है, COH। अब देखो दो बार तो यहां पर, एक बार आपका OH निकलेगा यहां से हाइड्रोजन, एक बार यहां से निकला तो यहां पर क्या बनेगा CH2-COH। अब ये कहां अटैक करेगा बच्चों, यहां अटैक करेगा, ठीक है। एक बार ये सेल्फ करेगा, यहां पर कितने आपके क्या बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां पर मैं आपको सिंपल बताता हूं, इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर एक बार ये आपका सेल्फ बनाएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1, एक बार ये आपका सेल्फ बनाएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1, एक बार यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकल के यहां अटैक करेगा, एक बार ये आपका आपका क्या बनाएगा इनोलेट। तो इसको इसको ध्यान से देखते हैं, अब हम एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूं, यहां पर CH3CH HCOH, अगर मैं इसका इनोलेट बनाना चाहूं तो यहां पर CH3CH-COH और एक बार मेरे पास ये CH3COH, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बनाना चाहूं तो CH2-COH, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बार ये आपका यहां अटैक करेगा, ठीक है, एक बार ये आपका यहां अटैक करेगा, टोटल कितने हो गए इसकी वजह से 2 प्रोडक्ट, एक बार ये आपका यहां अटैक करेगा, एक बार ये आपका यहां अटैक करेगा, टोटल कितने हो गए आपके, यहां पर भी 2 प्रोडक्ट, कितने हो गए 4, 4 में से 2 आपके सेल्फ वाले, 2 सेल्फ वाले, ये हो गया पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। तो पाथ 1 आपका सेल्फ होगा और आपका पाथ 4 आपका सेल्फ होगा, ठीक है, सेल्फ होगा और आपका पाथ 3 और पाथ 2 आपका क्रॉस होगा, बस इतना ध्यान रखो। यहां पर कितने हो जाएंगे 4 प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स और वाई, डी इज ड्यूटेरियम, एक्स और वाई हैव विल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, अब हम ध्यान से
57 को ध्यान से देख लेते बच्चों, डी सी डी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस के साथ अटैक कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये आपका यहाँ जाएगा, ठीक है ये आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डी सी डी ओ माइनस ओ एच, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आपका बन सकता है, एक्स और वाई, ठीक है एक्स और वाई आपका कौन सा बन सकता है, ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो आपका ये तो आपका बनेगा नहीं, ए तो आपका ए आपका इनकरेक्ट हो गया, बी में तीनों डी है, नहीं हो सकता बी में तीनों डी, क्यों, क्योंकि इसका आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसका आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है बी 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 वाला भी इनकरेक्ट है, तीन डी है, तीन डी जिसके अंदर होगा वो आपका इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं आप, हम ध्यान से, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये यहां जाएगा, यहां से ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बनेगा, डी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहां पर क्या बन जाएगा, सी डी थ्री ओ माइनस, नाउ हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो डी सी ओ ओ माइनस और आपका सी डी थ्री ओ एच बन जाएगा। आप देखो सी डी थ्री ओ एच कहां बना हुआ है, ना पहले में बना हुआ है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में सी डी थ्री ओ एच है, लेकिन ये आपका गलत है, ठीक है सेट आपका ये वाला सेट आपका बनना चाहिए, तो इसका डी नन ऑफ करेक्ट। 58 में बच्चों आप लोग जानते हो कि ओजोनोलाइसिस कराने के बाद आपको क्या कराना है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, सॉरी यहां पर ओजोनोलाइसिस कराना है आपको, तो ओजोनोलाइसिस करा दो, सबसे पहले ओजोनोलाइसिस करा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, एक आपका सी एच ओ, एक आपका यहां पर क्या बन जाएगा सी एच ओ, ठीक है। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा दोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, चेक करो आपका प्रोडक्ट आप लोग बना लेना बच्चों यहाँ पर, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब इसके बाद इंट्रामोलिकुलर होगा ना बच्चों, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर सी एच होगा, यहाँ पर सी ओ एच और इस पॉइंट पर सी ओ एच होगा, तो ये आपका इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की रिंग बन जाएगी, ठीक है पांच कार्बन की रिंग बन जाएगी, और इसके बाद आपका एल्डोल कराने के बाद आपको यहां पर हीट करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम समझते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है बच्चों, 59। देखो बच्चों 59 का ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो केवल सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसको सही कर लेना 59 का, 59 के बी ऑप्शन में केवल आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और किसी में आपका नहीं बन सकता। देखो ये आपका इस तरीके से, यहां पर मैंने ओजोनोलाइसिस करा दिया तो यहां पर सी एच ओ, यहां पर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ये आपका हो जाएगा बी। बी के बाद यहां पर 60 क्वेश्चन में क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और दूसरे के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऐसा डी ऑप्शन, तो डी आपका करेक्ट होगा। नाउ 61 तो बच्चों आपका बढ़ चाहिए, ये आपको खुद से करना चाहिए, 61 आपको सेल्फ एक बार देखना है बच्चों, फिर आपको अगर डाउट हो तो फिर आप पूछो, ठीक है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों आपका, यहां पर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ C4H8, सबसे पहले C4H8Cl2 का आप क्या निकाल लो बच्चों, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU इसका क्या होगा, जीरो, तो यहां पर सिंपल बॉन्ड है CH3। अब क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग विद NaOH प्रोड्यूस येलो प्रेसिपिटेट, मतलब आपका क्या देगा, आपका यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। देखो अब इसको सोल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6-8 हाइड्रोजन, यहाँ पर जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, सी ओ एच ओ एच, एक कार्बन पे दो ओ एच, आपका क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होने की वजह से ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कीटोन में, तो यहाँ पर CH3CO CH2CH3। अब देखो ये वाला फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये आपका CHI3 बना लेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड,
एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रेड्यूज, कौन सा आपका ट्रू है? एल्डिहाइड नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। बेटा इसमें तो आपको 63 में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर क्या जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या है बच्चों, विच ऑफ द कंपाउंड अंडरगो केनी जारो रिएक्शन। एसिटाल्डिहाइड में है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं देगा केनी जारो, केनी जारो आपका नहीं देगा। अब देखो यहां पर बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका केनी जारो नहीं देगा। अब प्रोपियोनियल एल्डिहाइड, प्रोपियोनियल एल्डिहाइड मतलब यहां पर CH3CH2CO, यहां पर ये भी आपका केनी जारो नहीं देगा, ठीक है। अब आपका एनिसोल, एनिसोल, एनिसोल आपका क्या होता है बच्चों? एनिसोल OCH3, क्या ये भी आपका केनी जारो नहीं देगा? तो बचा कौन सा बच्चों? केवल और केवल ये आपका केनी जारो देगा, केवल और केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों इसमें। अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट अल्काली बेंजल्डिहाइड फॉलोइंग बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन विद एक्वस अल्काली बेंजल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोलाइसिस कराना है, मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब अल्कली, एक्वस अल्कली मतलब ये, अब ये यहां जाएगा, यहां अटैक करेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? देखो सिंपल, ध्यान से समझना, एक तो आपका ये बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल, एक आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर, यहां पर एक आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा इस तरीके से, यहां पर आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और बेंजोइट भी आपका बन सकता है जब ये आपका क्या करेगा, इसको अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, इसको अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों का आपका क्या हो जाएगा? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब जब इन दोनों का आपका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगा तो आपका यहां से क्या जाएगा, यहां से आपका जाएगा एच और यहां से जाएगा OH, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? इस तरीके से बेंजोइट एसिड, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आएगा बच्चों? यहां पर करेक्ट डी, 64 का आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इस तरीके से रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को काफी अच्छे से देखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों यहां पर 66 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट अ सिल्वर मिलर, मतलब टोलेंट टेस्ट आपका कौन नहीं देगा, टोलेंट टेस्ट आपका कौन नहीं देगा बच्चों? टोलेंट टेस्ट आपका कीटोन नहीं देगा, बात खत्म, कीटोन आपका टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। और कीटोन कौन सा है बच्चों? इसमें सी। 67 में बच्चों आप लोगों को मैंने फेलिंग सॉल्यूशन का बताया था, तो उसमें Cu2O निकलता था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 1 आएगा, 1 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, तो आपका क्या होगा? बी। अब देखो बच्चों यहां पर Cu+2 किसमें कन्वर्ट होता था? Cu+1 में। अगला क्वेश्चन यही है आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट 70 पे देख लेते हैं, 69 बच्चों आप लोग खुद एक बार ना ट्राई करो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, अगर एक दो बार अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, आप लोगों को खुद से एक बार देखना है बच्चों 60। अब देखो 60 70, और मैं सेम क्वेश्चन आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट, देखो CH3CH double bond CH CHO CH3CH double bond CH C double O H। अब देखो इसको इसमें ऑक्सीडाइज कराना है, तो अल्कलाइन केमेनोफोर इसको भी करेगा, सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है? इसको डाई कीटोन में कन्वर्ट करेगा, नहीं होगा। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, यहां पर 2 OH लगा देगा। अमोनिकल आपका टोलेंट टेस्ट की वजह से आपका ऐसा हो जाएगा, यहां पर टोलेंट टेस्ट मतलब अमोनिकल वाला, डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों आपका इसका।
अब देखो 71, 71 में क्या है बच्चों, एसीटैल्डिहाइड और एसीटोन में कौन आपको अंतर बताएगा? ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये आपका टोलेन आपको बता सकता है, टोलेन टेस्ट सही है, टोलेन टेस्ट में आपका ये आपका टोलेन टेस्ट देगा या आपका नहीं देगा, ये आपका फेलिंग टेस्ट देगा ये आपका नहीं देगा, ये आपका स्विच रिएजेंट टेस्ट देगा लेकिन ये भी आपका नहीं देगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, यहां पर केवल ये वाला फ्रेगमेंट ही, ये वाला फ्रेगमेंट दोनों में प्रेजेंस है तो आयोडीन आपका दोनों टेस्ट देगा, केवल और केवल कौन सा होगा बच्चों, यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट। अब 72 का देख लेते हैं बेटा, आपका स्विच रिएजेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, स्विच रिएजेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर मेजेंटा सॉल्यूशन मतलब पर्पल कलर का, यहां पर SO2 के साथ होता है बच्चों, SO2 के साथ आपका रिएक्शन करेगा, ध्यान से समझ लेना, अगर ये आपका SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका पर्पल कलर या फिर पिंक कलर भी बोलते हैं कभी कभी, तो ये आपका मेजेंटा सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके कलर को बच्चों। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, 73 कौन आपका स्विच में चेंज नहीं होगा, 73 में कौन होगा बच्चों, कीटोन, कीटोन आपका नहीं देता टेस्ट, मैंने यही बताया। देखो अब देखो बच्चों यहां पर सी ऑप्शन होगा, अगला क्वेश्चन देख लेते बच्चों 74 देखते बच्चों 74 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बच्चों, यहां पर NLDHyde is isomeric with allylic alcohol, isomeric with allylic alcohol मतलब aldehyde है CH3 allylic alcohol, ठीक है CH2 double bond COH, ये आपका allylic या आपका vinylic हो जाएगा, ठीक है, या आपका CH2OH, ठीक है, ऐसा है, एक aldehyde isomer with इसके साथ isomer में है, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं CH3 CH2 CHO, तो देखो यहां पर आइसोमर है कि नहीं है बच्चों, दो दो चार पांच, ठीक है आइसोमर में बच्चों ये आपका, ठीक है यहां पर भी आपका H, ठीक है आइसोमर है दोनों, एक दो दूसरे के। अब बोलो कि इसमें फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, पिक आउट कीटोन दैट to give phenyl hydrogen and containing the same percentage of nitrogen. अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका isomeric form क्या होगा? CH3CO CH3, ये भी आपका similar है ना, तीन carbon, छह hydrogen, similar है, similar आपका nitrogen का percentage आपका similar होगा, जैसे अगर आपका number of carbon change होगा, number of carbon को आप बढ़ा दोगे तो आपका क्या होगा बच्चों, number of carbon का percentage बढ़ जाएगा, nitrogen का कम हो जाएगा, आपको क्या करना है इसके परसेंटेज को कांस्टेंट रखते हुए तभी आप नाइट्रोजन के परसेंटेज को कांस्टेंट रख पाओगे, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर आपने कांस्टेंट रख दिया, देखो तीन कार्बन है यहां पर भी तीन कार्बन है तो सिमिलर आएगा, उतने ही हाइड्रोजन है तो सिमिलर परसेंटेज, जितना इसके साथ आएगा उतना नाइट्रोजन उसमें उतना ही होगा, अगर यहां पर चार कार्बन होता तो कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता, नाइट्रोजन का कम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है बच्चों देख लेते हैं, देखो यहां पर बच्चों ये तो क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है कॉपी में, ये आपका इन कॉपी है बच्चों, ये आप खुद करना, ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, ये आपका इन कॉपी है, कॉपी में से है तो आपको खुद करना है। अब देखो यहां पर 76 इन कॉपी, ये आपको कॉपी में टेक्स्ट बुक में नोटबुक में मैंने लिखवा रखा है, आपको खुद से एक बार देखना है बच्चों 77 बच्चों ध्यान देना, जब भी आपका एसीटोन अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा ग्लाइकोल के साथ तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझ लेना इसको, यहां पर ये वाला बाहर निकल जाएगा H2O और यहां पर क्या बन जाएगा CO CH2 CH2O, यहां पर CH3 ऐसा बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसीटल, सॉरी इसको हम बोलेंगे कीटल, क्योंकि दोनों वैलेंसी आपका, यहां पर इसको बोलेंगे कीटल, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, देख लेते बच्चों, इसको मैं आपको बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करने वाला हूं अच्छे से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
नेक्स्ट मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है देखो बच्चों, C2H5 मतलब C2H5 को CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3 ऐसा है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो यहां पर ये मैंने चेंज कर दिया, तो यहां पर CH3 CH2 यहां पर मैंने सबसे पहले इनोलाइजेशन करा दिया बच्चों इसका, ठीक है डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 एक बार डबल बॉन्ड यहां पर एक बार मैं यहां लगाऊंगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारा ज्यादा आ रहा है, तो यहां से इनोलाइज करूंगा, यहां से तोड़ूंगा, तो यहां पर CH3COH और यहां पर क्या जाएगा बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर क्या जाएगा CH3CH3H C3H7H5COOH ये आ जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इस तरीके से हम करेंगे तो आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। और एक और आपका प्रोडक्ट बनेगा जब मैं इसको टोटोमर यहां से कराऊंगा, यहां से जब मैं टोटोमराइज कराऊंगा तो यहां पर भी आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर क्या बनेगा C2H5COOH। तो यहां पर सारे आपके मेन प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर बेटा यहां पर अगर मैंने किया तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहां पर 2, तो ये वाला फ्रेगमेंट आपका ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला फ्रेगमेंट, तो ध्यान से समझना बच्चों ये वाला फ्रेगमेंट आपका ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला, तो थोड़ा सा देखो बच्चों ये वाला फ्रेगमेंट आपका ज्यादा स्टेबल होगा तो मेन प्रोडक्ट तो आपको ऐसा ही बनेगा बच्चों, मेन प्रोडक्ट इनमें से बनेगा या आपका अलग प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना बच्चों ध्यान से, इसको बोलते हैं पॉप ऑफ रूल। नाउ 79 बच्चों, 79 में क्या होगा बच्चों, कीमो सेलेक्टिव मतलब जो आपके सेलेक्टिव कंपाउंड को करेगा वो कौन सा बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका थ्योरेटिकल है फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 79। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं 80 क्वेश्चन पे। तो 80 क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है बच्चों, 80 क्वेश्चन पे आप लोग जानते हो बच्चों 80 क्वेश्चन काफी इजी था बच्चों। 80 क्वेश्चन आपको क्या है बच्चों, इस तरीके से आपका कीटोन कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है इसकी रिएक्शन NH2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बनेगा, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा बच्चों, अल्कोहलिक KOH हाइड्रोलाइसिस कराएगा। तो जब ये आपका हाइड्रोजन बनेगा इस तरीके से तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, इमाइन कंपाउंड हो गया। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका क्या बनाएगा यहाँ पर CH2CH3। इसका हाइड्रोलाइसिस वाला मैकेनिज्म लिखो बच्चों, यहां से हाइड्रोजन को लेके रिमूव होगा, जब यहां से हाइड्रोजन को लेके रिमूव होगा तो यहां पर माइनस आएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो इस तरीके से यहां पर N2 आपका बाहर हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर आपका कौन बाहर हो जाएगा बच्चों, N2 आपका बाहर हो जाएगा, इस तरीके से यहां से N2 एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो बच्चों एक बार, ठीक है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, CH3COH अगर मैंने इसकी रिएक्शन एल्यूमिन, अच्छा तो बच्चों इसके साथ तो पहला रिएक्शन बच्चों आपका टिनशिस्को रिएक्शन है, टिनशिस्को रिएक्शन है जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ा है तो थोड़ा उस पर ज्यादा दिक्कत नहीं देना। इसके थ्रू हमारा क्या बनता है, एस्टर बनता है, और एस्टर का अगर मैंने ए के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर क्लेजन रिएक्शन होगा, ठीक है तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर मैं ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है बच्चों, ठीक है तब भी आपके पेपर में है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं आपके इस रिएक्शन को वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। 3-4 रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो और कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड, बेंजाइल्डिहाइड और बेंजाइल अल्कोहल, देखो बच्चों ये हो गया आपका बेंजाइल्डिहाइड और ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल, इन दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है बताओ। ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो C2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो C2OH, इसका ऑक्सीडेशन CrO3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो C2OH बेंजोइक, बेंजोइक पता नहीं पड़ेगा, इसका सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसका नहीं होगा। फ्लेम टेस्ट भी दोनों का नहीं कर सकते,
तो यहां पर सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा, इसमें सोडियम मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा बस। नेक्स्ट केनिजारो इंटरमीडिएट, बेस्ट इंटरमीडिएट बच्चों, मैंने आपको बताया था डाइएनाइन, बेस्ट इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया था यहां पर 83 डाइएनाइन, डाइएनाइन डाइएनाइन पे आपका चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा। चार्ज डेंसिटी किस पे आपका मैक्सिमम है बच्चों, सी ऑप्शन में चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बी में आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो चार्ज डेंसिटी कहां बढ़ेगा बच्चों, बी ऑप्शन में। देखो यहां पर सिमिलर क्वेश्चन इन कॉपी, कॉपी के अंदर है बच्चों ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉपी के अंदर है और मैंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग करा रखा है बच्चों ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो 84, यहां पर C6H5COCl की रिएक्शन अगर PDBaSO4 के साथ कराएंगे तो यहां पर रोजेनमुंड, यहां पर C6H5COH बन जाएगा। नाउ इसकी इसका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा एसिटोफिनोन या फिर बेंजोफिनोन, करेक्ट, सॉरी एसिटोफिनोन तो आपका ये होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एसिटोफिनोन आपका ये होता है, ये होता है एसिटोफिनोन, ये क्या बनेगा बेंजोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, 84 डिस्कस हो गया है, अब 85-86 डिस्कस कर लेते हैं। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यहां पर CH3CHO इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा CH3COOH, नाउ SOCl2 के साथ कराएंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, ऐसा होगा अब इसकी रिएक्शन CH3COO-Na+ के साथ कराएंगे तो अब क्या होगा, ये आपका यहां से देखो ये आपका बेसिक है, बेसिक आपके एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा या फिर ऐसे बोल सकते हैं या फिर ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ये ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3CO-OCO CH3, इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहां पर Cl होगा, ये अब नीचे जाएगा तो यहां से ये आपका बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड, इस तरीके से बात करेंगे इसमें, इसमें हम एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगे, इसमें हम इस तरीके से करेंगे जैसे हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होगा बच्चों ये आपका। नाउ नेक्स्ट बच्चों 86 आपका क्या है बच्चों, इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन सा ग्रुप है, इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन सा ग्रुप है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा जो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, देख लेते बच्चों कौन सा होगा इसमें, इसमें आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा Ag2OOH- केवल और केवल, और केमेनोफोर इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 87 बच्चों एसिटल और किटल की तरह ही है, देखो इसकी रिएक्शन मैंने अगर NH2 के साथ कराया है, इसकी रिएक्शन मैंने NH2 के साथ COH की रिएक्शन, देखो बच्चों ये आपको मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन, यहां से क्या होगा वाटर हटेगा, यहां से क्या होगा वाटर हटेगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा इस टाइप का कंपाउंड, ये मैंने आपको बता रखा है, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 88 में तो बच्चों आपको कॉपी में भी ये और अच्छे से बता रखा है बैकमैन रीअरेंजमेंट, 88 में क्या हो जाएगा बच्चों बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसमें आपको रिएक्शन देख के ही बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 89 में आपका क्या होगा बच्चों, ये आपको एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें बच्चों, ये आपके एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के कन्वर्ट कर देगा CH2OH में NaBH4, लेकिन आपका H2PD सबको कन्वर्ट कर देगा, H2PD सबको कन्वर्ट कर देगा तो H2PD क्या होगा बच्चों, ये आपका B कंपाउंड होगा तो A कंपाउंड आपका क्या होगा CH2CH2CH2OH, ये आपका A कंपाउंड होगा PDH2 सबको कन्वर्ट कर देगा। 90 को देखते बच्चों, 90 क्वेश्चन बच्चों आपका ओजोनोलाइसिस कराना है, कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव फॉलोइंग कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड आपका ओजोनोलाइसिस कराने पर ये कंपाउंड रहता है, तो मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, पहले इसको चेक कर लेता हूं, इसमें आपको चेक ही करना पड़ेगा, यही आपका ऑप्शन है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों,
ये पूरा एक चेन बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर CHO, CH2, 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 कीटोन, बीच में कीटोन, CH2, CH2, ये वाला कंपाउंड आपका नहीं होगा। यहाँ पर टर्मिनल में CHO है, देख लेते बच्चों इसको। देखो इसको करेंगे ओजोनोलाइसिस, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ कार्बन की चेन बनेगी, 8, 9 कार्बन की। तो यहाँ पर COH, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 CH2, CO, CH2, CH, CH3, CH3, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। देख लेते हैं CH2 चार बार, 1, 2, 3 बार, 4 बार है। और यहां पर CH2, CH, CH3 कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स ओजो कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव द फॉलोइंग कंपाउंड। इसको ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर आपका एल्डिहाइड करेक्ट है बच्चों। एक दो तीन चार, चार CH2 सही है ये भी। इसको देख लेते हैं यहां पर क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ ना यही, तो इसको भी देख लेते हैं CH2, CH2, CH3, CH3। यहां पर भी ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर CHO, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CHO, CH2, CH2, यहाँ पर आपका CHO, CH2, CH, CH2, ये नहीं देगा बच्चों आपका। इसका आंसर होगा बच्चों आपका ए, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए के थ्रू हमको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। अगर आप देखोगे तो एक बार आप लोग कोशिश करो, आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका हाँ ए होगा बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों आपका ए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पेपर उतना टफ नहीं था, काफी इजी था, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में भी कराए हुए हैं बच्चों। तो अगर आप उस क्वेश्चन को अगर एक दो बार डिटेल कर लोगे तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और आई होप कि आप लोगों का पेपर काफी अच्छा गया होगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।